This is the first chapter of class 11th chemistry. Some basic concept of chemistry. In this video, I will discuss only section 1. General introduction and importance and scope of chemistry. So, यहाँ आ जाते हैं हम लोग. इस chapter में देखिए, general introduction normal है 11th का. हम लोग पढ़ रहे हैं तो उतना ये सब चीज़ें theory हैं, उतनी important नहीं है. But लेकिन हम लोग को जानना ये सब चाहिए रहता है, बहुत ज़रूरी है. हम लोग के लिए जनरल नॉलेज के लिए समझ लीजिए, कह सकते हैं. सेक्शन वन, जनरल इंट्रोडक्शन एंड इम्पॉर्टेंस इसको एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. तो लेट स्टार्ट विद जनरल इंट्रोडक्शन. जनरल इंट्रोडक्शन इज कंसिडर्ड एज द ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज टू डिस्क्राइब एंड अंडरस्टैंड नेचर. इट इज सच अ वाइड सब्जेक्ट दैट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इट इज सब डिवाइडेड इंटू डिफरेंट प्रिंसिपल डिसिप्लिन्स विच मेनली इंक्लूड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड जूलॉजी. तो ये जो साइंस, जो नेचर है, जो हम लोग के सामने जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग अगर उस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उस चीज़ों को समझेंगे, तो जो ह्यूमन एफर्ट्स कर रहा है ये सब नॉलेज को गेन करने के लिए, इन सब चीज़ें, जो भी नॉलेज है उसको साइंस के नाम से बोला गया है. इस सबको साइंस बोला गया है. और साइंस इतना बड़ा है कि हम लोग उसको सही तरीके से सब चीज़ों को जान पाए, इसलिए इसको सब डिवाइड किया गया है. जैसे कि केमिस्ट्री में सिर्फ केमिकल्स वगैरह ये सब चीज़ें, कंपाउंड्स वगैरह सब चीज़ें आएंगी. फिजिक्स में दूसरी चीज़ें जो मोशंस है, फोर्स है, ये सब आती हैं. बायो में भाई ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट, ये सब आते हैं. जूलॉजी में अर्थ वगैरह के, अर्थ सॉयल वगैरह ये सब चीज़ जूलॉजी में आ जाएगा, एक्सेट्रा. तो अब हम लोग, ये हम लोग केमिस्ट्री, तो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है. द केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेस विच मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशन एंड द लॉज विच गवर्न दिस चेंजेस. तो केमिस्ट्री क्या है? ये वो ब्रांच है साइंस का जिसमें हम लोग कोई भी मैटर होता है उसका कंपोजिशन या स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. तो ये केमिस्ट्री में आता है. जो मैटर हैं वो अगर दूसरे किसी चीज़ से रिएक्ट कर रहे हैं या दूसरे कंडीशन, प्रेशर वगैरह में हम लोग रख रहे हैं, तो कैसे अपना वो चेंज ला रहा है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री में. वो जो चेंज आता है वो बहुत सारे लॉज उसको डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से चेंज आएगा. तो व्हाट डज द टर्म मैटर मीन इन द अबव डेफिनेशन? तो मैटर होता क्या है? दो इट विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल लेटर इन दिस यूनिट. एट द मोमेंट इट इज सफिशिएंट टू मेंटेन दैट ऑल सब्सटेंस, ऑल लिक्विड गैसेस विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी और प्रेजेंट अराउंड अस, विच मे बी विजिबल और सम ऑफ अस विच मे नॉट बी विजिबल एस That is air, are made up of matter. जो matter क्या होता है, अभी तो यहाँ पे छोटे में पढ़ रहे हैं, बाद में आगे detail में है. लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि matter जो solid, liquid, gas, ये सब चीज़ें जो भी है matter में आती हैं, जो हम लोग को दिखती है सामने उस, और जो नहीं दिखती है वो भी matter में, जो हम नहीं दिखता air, ये सब matter है. Further, two basic unit of which all substances are made up of are atom and molecules. तो जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं सिर्फ एटम और मॉलिक्यूल्स के मिलके ही बनते हैं सब चीज़ें. दे कंबाइन विथ ईच अदर अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉ कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. तो जो मैटर और मॉलिक्यूल्स हैं अगर रिएक्ट कर रहे हैं या कुछ हम लोग उसको कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ लॉज के अकॉर्डिंग ही ये रिएक्ट करता है या कंबाइन करता है. तो ये सब जो जिस लॉ के आधार पर बनता है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है. The changes which they undergo under different condition may be physical and chemical change called chemical reaction. All measurement involving mass, length, density and require precision and accuracy. Further, as chemistry deals with all the substances present in our body and all those present around us, it has a great importance and wide application. तो जो भी चेंजेस होते हैं वो फिजिकल नहीं तो केमिकल. यहाँ पे हम लोग अभी नीचे पढ़ा कि फिजिक रिएक्शंस करते हैं, चेंजेस आता है कॉम्बिनेशन, उसके बाद अगर कोई चेंज हो रहा है तो वो फिजिकल नहीं तो केमिकल चेंज होगा. और उसके बाद बोला गया है कि मास, ये सब वॉल्यूम, डेंसिटी जितना भी है, ये जो अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो प्रिसीजन और एक्यूरेसी इसमें देखना रहता ज़रूरी रहता है. आगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी हम लोग पढ़ेंगे. अगर फर्दर केमिस्ट्री ऑल सब्सटेंस इन आवर बॉडी एंड ऑल दिस प्रेजेंट अराउंड अस. केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री हम लोग के बॉडी से लेके
पूरी कुछ भी चीज़ें हर जगह केमिस्ट्री है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जहाँ केमिस्ट्री नहीं है. तो इसका इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस में एप्लीकेशंस मीन्स बहुत ज़्यादा यूजेस हैं एक तरीके से कह सकते हैं. द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू स्टडी ऑल दिस बेसिक कॉन्सेप्ट सम ऑफ देम ब्रीफली विद अदर्स इन डिटेल. तो कुछ डिटेल में पढ़ना है, कुछ हम लोग को छोटे में पढ़ना है. तो देखिए इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री ये क्या है. तो इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री. Chemistry plays a very important role in our daily life. It has helped us to meet all our requirement for the better life, such as food, good health and comfort, etc. Without the knowledge of chemistry, our life would have been very dull and dreary. तो chemistry हम लोग के life में बहुत important role play करता है. Food से लेके good health, comfort सब चीज़ में ये अपना अच्छा role play करता है. और इस केमिस्ट्री के नॉलेज से अगर केमिस्ट्री नहीं रहता तो हम लोग का लाइफ बहुत डल है, मतलब बोरिंग, या कह सकते हैं कुछ भी आप कह सकते, जो भी कहना चाहें, बोरिंग का दूसरा नाम दे दें डल, डेवरी. सब इम्पॉर्टेंस एप्लीकेशन ऑफ द केमिस्ट्री आर गिवन बिलो. तो सप्लाई ऑफ फूड विथ इंक्रीज, तो इम्पॉर्टेंस एप्लीकेशन बोला है. तो सप्लाई ऑफ गुड कॉन्ट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ, सैनिटेशन, सेविंग द एनवायरमेंट, इंक्रीजिंग इन कम्फर्ट एंड प्लेजर एंड लग्जरी. और यहाँ पे एक और है, कितना है, 8 पॉइंट्स हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, न्यूक्लियर एंड एटॉमिक एनर्जी, उसके बाद एप्लीकेशन इंडस्ट्री एंड एप्लीकेशन इन वॉर, सब ये सब इसके इम्पॉर्टेंस है. तो अभी सप्लाई ऑफ फूड पढ़ते हैं. विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सप्लाई ऑफ फूड विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द नीड फॉर द ओवरऑल अमाउंट ऑफ फूड हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड. Moreover, with increase in the standard of life, there has been increase in the quality and variety of food. Chemistry has helped to achieve this goal as well. It has population increase हो रहा है, तो food का भी हम लोग को भाई increase करना ही पड़ेगा कैसे भी. Food की need ज़्यादा हो जाएगी तो food को भी increase करना है. तो उस increase करने के लिए बहुत सारी चीज़ें process हैं. तो फर्स्ट पॉइंट है, इट हैज़ प्रोवाइडेड केमिकल फर्टिलाइजर सच एज यूरिया, कैल्शियम सुपरफोस्फेट, सोडियम नाइट्रेट एंड अमोनियम सल्फेट एक्सेट्रा, विच हैज़ इंक्रीज्ड द यील्ड ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स. तो जो केमिकल, अब देखिए केमिस्ट्री से हम लोगों ने केमिकल फर्टिलाइजर बनाया, तो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, कैल्शियम सुपरफोस्फेट और सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, ये सब जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो वेजिटेबल फ्रूट्स और क्रॉप्स हैं उनका उनका यील्ड, मतलब कि उनकी उपज को बढ़ा दिया कह सकते हैं, उपज ज़्यादा उससे होने लगा, उगने लगा. इट हैज़ हेल्प टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम इंसेक्ट एंड हार्मफुल बैक्टीरिया बाय द यूज ऑफ सर्टेन इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स. और ये केमिकल्स हैं, मान लीजिए केमिकल्स ही, केमिस्ट्री ये चीज़ें कर रही हैं तो केमिकल्स ही यहाँ पे बोला जाएगा. तो ये इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स से तो क्रॉप्स को बचा रही है, बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया, इंसेक्ट और इन सब चीज़ों से क्रॉप्स को बचाती भी हैं. तो जो डैमेज नहीं होता है, डैमेज नहीं होगा तो मात्रा उतनी और बढ़ती रहेगी. तो हम लोग को पॉपुलेशन इंक्रीज हो तो फूड तो अधिक ही चाहिए. तो इसकी वजह से जैसे कि अब केमिकल फर्टिलाइजर अधिक हम लोग को मिलेगा और इससे जो हम लोग का जो भी डिस्ट्रॉयड होता है डिस्ट्रॉय नहीं होगा. अब थर्ड पॉइंट क्या है, प्रिजर्वेटिव, जैसे कि हम लोग कई दिन तक रख सकेंगे कोई भी चीज़ को, किस चीज़ों को, जैसे कि द यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव हैज़ हेल्प टू प्रिजर्व फूड प्रोडक्ट लाइक जैम, बटर, स्क्वैसेस एक्सेट्रा फॉर लॉन्गर पीरियड. तो जैम, बटर, ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग ज़्यादा समय तक रख सकेंगे. इट हैज़ गिवन मेथड टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्रेंट्स, देयर बाय इंश्योरिंग द सप्लाई ऑफ प्योर फूड स्टफ. तो केमिकल्स से ना ये भी चीज़ हम लोग को है, जो एडल्ट्रेंट, जो मिलावटी चीज़ें हैं, मिलावटी, एडल्ट्रेंट मिलावटी को कहते हैं. तो मिलावटी चीज़ कोई भी खाने में है कि नहीं है, तो अगर हैं तो उससे हम लोग टेस्ट कर लेंगे. ये सब केमिकल्स वगैरह से टेस्टिंग हो जाती है जैसे कि फूड में मिलावटी है कि नहीं, तो हम लोग इससे प्योर फूड खाएंगे. अब कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन, केमिस्ट्री हैज़ कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन इन नंबर ऑफ वेज एज फॉलोज. तो केमिस्ट्री बेटर हेल्थ और सैनिटेशन के लिए कई तरीके से मदद करता है. 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पे. तो अब
पहला पॉइंट, इट हैज प्रोवाइडेड मैनकाइंड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लाइफ सेविंग ड्रग्स. टुडे डिसेंट्री एंड निमोनिया आर क्यूरेबल ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ सल्फा ड्रग पेंसिलिन. लाइकवाइज एपिडेमिक्स सच एज कोलेरा एंड प्लेग आर एंड स्मॉल पॉक्स आर नाउ थिंग्स ऑफ द पास्ट. सिमिलरली सेविंग ड्रग्स लाइक सिसप्लैटिन एंड टैक्सोल हैज बीन found to be very effective for cancer therapy and AZT, azido-thymidine, is used for AIDS victim. These compounds are obtained from animals and plants or by synthetic methods. तो यहाँ पे बोला है कि ये हम लोग को जो chemistry, life saving drugs, जैसे कि chemicals वगैरह से हम लोग drugs मतलब दवाइयाँ बना सकते हैं, life saving drugs यहाँ पे तो medicine आपको बोला गया एक तरीके से. टुडे डायसेंट्री एंड निमोनिया आर क्यूरेबल ड्यू टू, तो डायसेंट्री और निमोनिया ये ऐसी बीमारियां हैं जो सल्फर ड्रग्स और पेंसिलिन के डिस्कवरी से वजह से ये सब क्योर हो जाती है, मतलब ठीक की जा रही. लाइकवाइज ये सब चीजें अब तो पुरानी बात हो गई, अब तो किसी को होती नहीं है. इक्का दुक्का लोग जो नहीं लिया रहता है उसकी वैक्सीन वगैरह तो उसको हो जाती है. सिमिलरली लाइफ ये जो कैंसर थेरेपी में ये सब सिसप्लैटिन और टैक्सोल ये सब चीज़ें बहुत यूज होती हैं, और एड्स जिनको ही रहती हैं उनके लिए AZT azido-thymidine ये दवाई है, ये कि बहुत यूजफुल होती है. दीज कंपाउंड्स ये सब एनिमल प्लांट से पाई जाएंगी, नहीं तो हम लोग खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, सिंथेसाइज सिंथेटिक मेथड्स से भी प्रिपेयर किया जाता है. Analgesics has reduced pain of different types. Antibiotic, analgesics ये जो है ना ये pain को reduce करती है. Antibiotics जो है like chloromycetine and streptomycin जो है कि help to curb infection and cure diseases like typhoid, tuberculosis और typhoid में ये antibiotics जो ये हैं chloromycetine and streptomycin ये infections और typhoid और TB में क्योर करने के लिए सही रहती हैं. ट्रैंक्विलाइजर हैव हेल्प टू रिड्यूस टेंशन एंड ब्रिंग अबाउट काम एंड पीस टू पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज. ट्रैंक्विलाइजर जो है हम लोगों को टेंशन और कम करता है और काम और पीस पेशेंट को जो कि मेंटल डिजीज से सफ़र कर रहा है उन सब के लिए ये सब चीज़ें सही करता है. एंटीसेप्टिक जो है डेटॉल ये जो चीज़ें हैं वो कहीं चोट लग जाती है यूज टू स्टॉप द इन्फेक्शन ऑफ वाउंड, तो घाव हो जाता है या चोट लग जाती है तो उसको इन्फेक्शन ना फैले इसलिए एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है. डिस इन्फेक्टेंट सच एज फिनॉल आर यूज टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन ड्रेन टॉयलेट फ्लोर्स. डिस इन्फेक्टेंट जैसे फिनॉल जो है कि जैसे हम लोग घर पे पोछा वगैरह लगाते हैं तो उसमें डेटॉल कह रहे हैं फिनॉल डाल फिनाइल डाला जाता है ना, तो ये सब चीज़ें जर्म्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये सब किल करता है, तो भाई सेफ रहेगा, उससे कोई हम लोग को इन्फेक्शन नहीं होगा या डिजीज़ नहीं होगा. लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन डेट इज़ 0 to 4 और 0.2 to 0.4 parts per million parts ppm is used for sterilization of water to make it fit for drinking purpose. तो क्लोरीन हल्का सा कॉन्सेंट्रेशन डाला जाता है पानी में उसको स्टेरिलाइज करने के लिए कि हम लोग को ड्रिंक करने के लिए सही मात्रा में सही रहेगा, इसलिए वो डाला जाता है. अब डिस्कवरी ऑफ एंटीसेप्टिक हैड मेड सर्जिकल ऑपरेशन मोर सक्सेसफुल. एनेस्थीसिया सुना है, तो वही ये सब चीज़ें डिस्कवरी हो गई, तो जो भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं सर्जरी वगैरह होती है ये सब सक्सेसफुल ज़्यादा हो जाती हैं उसकी वजह से. द यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड सच एज DDT एंड गैमेजीन हैज रिड्यूस द हैजार्ड्स ऑफ डिजीज कॉज बाई रैट्स एंड मॉस्किटो फ्लाइज. तो DDT और जेक्सीमैन जो गैमाजेन जो है ये दोनों चीज़ें रैट और मॉस्किटो फ्लाइज सब जो भी डिजीज फैलती हैं वो नहीं होती हैं. और नाउ न्यू एंड मोर इफेक्टिव मेडिसिन आर बीइंग डिस्कवर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम विच आर प्लेस्ड रिप्लेसिंग द ओल्डर लेस इफेक्टिव मेडिसिन. फॉर एग्जांपल क्विनिन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मोर इफेक्टिव एंटी मलेरिया. दवाइयाँ जो हैं चेंज होती रहती हैं, जो एंटी मलेरियल मतलब कि मलेरिया की जो दवाइयाँ हैं जैसे कि लेफ एक्टिव इफेक्टिव ये सब हैं क्लोरोक्वीन और प्राइमाक्विन एंड कैमोक्विन, तो क्विनिन से रिप्लेस कर दी गई हैं क्योंकि ज़्यादा जो है ये क्विनिन जो है ज़्यादा इफेक्टिव है तो जल्दी ठीक हो जाता है. सिंथेटिक विटामिन एंड टॉनिक्स हैज़ बीन कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टूवर्ड बेटर. तो विटामिन टॉनिक्स ये सब भी बनने लगे हैं
जो कि हम लोग के हेल्थ के लिए सही रहेगा. इनफैक्ट द यूज़ ऑफ द मोर इफेक्टिव मेडिसिन विटामिन इट इज एसेक्ट्रब एंड बेटर सैनिटरी कंडीशन आर हेल्प टू इंक्रीज द एवरेज लाइफ स्पैन. तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हेल्थ और सैनिटेशन में जो भी विटामिन और मेडिसिन जो भी बने हैं तो हम लोग का जो एवरेज लाइफ स्पैन नॉर्मल इंसान की होती है एवरेज लाइफ स्पैन वो इंक्रीज हो गई. जैसे लोग पहले कम ही उम्र में कई लोग मर जाते थे उसकी वजह से, अब एक ही लोग 100, 102, 105 आराम से, मतलब बहुत अधिकतर लोग जी लेते हैं आराम से वो भी. इस पूरे इन दोनों पॉइंट्स में ये जो हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स, आप सिर्फ पॉइंट पॉइंट करके भी लिख देंगे अगर ये पूछ दिया कि इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, तो सप्लाई ऑफ फूड में दिए तो दो पॉइंट्स भी लिख लेंगे तो बहुत है. और यहाँ पे ऐसे एक दो नंबर में भी यहाँ पे आ जाता है कि जो ड्रग्स पे कौन से ड्रग्स हैं जो कैंसर वगैरह में यूज़ होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया हुआ है इस बुक में. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट, आप इसको अच्छे से पढ़ लें. अब आता है थर्ड पॉइंट, सेविंग द एनवायरमेंट. रेफ्रिजरेंट लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs विच डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स. हाउएवर ग्रीन हाउस गैस लाइक CH4 और CO2 एक्सेट्रा इज स्टिल पोजिंग अ चैलेंज टू द केमिस्ट. तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से जो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा था उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल से रिप्लेस भी कर दिया गया है. केमिस्ट्री का अब यही उसको अच्छे से यूज़ किया जाए तो, मतलब डिस्कवरीज हो रही हैं तो ख़राब चीज़ों को अच्छे से रिप्लेस किया जा रहा है. और लेकिन अभी भी ग्रीन हाउस जो CH4 और CO2 गैस है अभी भी केमिस्ट वगैरह के लिए या सबके लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि इन सबको किस चीज़ से रिप्लेस किया जाए. ये ओजोन लेयर को डिप्लीट कर दिया है मीथेन और CO2, इसलिए यहाँ पे इसको भी चेंज करना है. अब लेकिन मिलेगा तो ज़रूर कर देंगे. इंक्रीज इन कम्फर्ट प्लेजर एंड लग्जरी. तो कम्फर्ट हम लोग प्लेजर, मतलब कि कितना भी कम्फर्ट या सही लाइफ के लिए केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले की है. केमिस्ट्री हैज़ प्लेस्ड अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूटिलिटी गुड्स एट आवर डिस्पोजल विच हैज़ बीन एडेड टू आवर कम्फर्ट प्लेजर एंड लग्जरी. फ्यू ऑफ दीज आर गिवन. तो पहला है सिंथेटिक फाइबर क्लॉथ. इन एडिशन टू नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क, केमिस्ट्री हैज़ हेल्प्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर सच एज टेरिलिन, नायलॉन, रेयन विच आर मोर कम्फर्टेबल, ड्यूरेबल एंड अट्रैक्टिव. दे आर ईजी टू वॉश, ड्राई क्विकली एंड डू नॉट नीड आयरनिंग. तो ये सिंथेटिक फाइबर का क्रिएशन हुआ है. तो ये जो नेचुरल फाइबर्स कॉटन, वूल, सिल्क वगैरह से बहुत ही उसी चीज़ से बना है, थोड़ा सा मिक्स वगैरह करके. तो ये जो टैली नायलॉन है ये सब कंफर्टेबल एंड ड्यूरेबल होती हैं. कंफर्टेबल मतलब इजी टू वियर और ज़्यादा दिन तक चलती है, और ये सब इजी टू वॉश हैं, जल्दी सूख जाती हैं और आयरन करने की ज़रूरत नहीं रहती है. नायलॉन, ये तीनों जो चीज़ें हैं, नायलॉन, टैरिलिन और रेयन. अब कॉटन का कपड़ा होता है उसको माड़ी दो वगैरह, उसको आयरन करो, ये सब चीज़ें. सिल्क में तो बिना आयरन के पहन ही सकते हैं, ड्राई वॉश होती है और इसमें तो हैंड वॉश वगैरह, ये नायलॉन सब हैंड वो कुछ भी करो कभी ख़राब ही नहीं होती हैं, लगती हैं सब. अब आगे पढ़ते हैं. फर्दर केमिस्ट्री इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक डाइज विच इम्पार्ट ब्राइट एंड फास्ट कलर टू द क्लॉथ्स. तो केमिस्ट्री के सिंथेटिक डाइज भी प्रोवाइड किए हैं जैसे कि फास्ट कलर क्लॉथ को कलर किया, कलरिंग के लिए. इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड केमिकल्स टू मेक दिस क्लॉथ फायर प्रूफ एंड वाटर प्रूफ इफ नेसेसरी. तो अब केमिस्ट्री के थ्रू आपको जैसे कि फायर प्रूफ क्लॉथ्स होते हैं ना, वाटर प्रूफ रेनकोट, जैसे वाटर प्रूफ होता है, अंदर नहीं जाता है रेनकोट, मतलब थोड़ा बहुत तो जाएगा लेकिन वो बनाया गया है कि पास नहीं करता, तो वही वाटर प्रूफ. और फायर प्रूफ भी होता है, बहुत सारे कपड़े बनाए जाते हैं वो फायर ब्रिगेड या बॉम्ब डिफ्यूजर जो भी आते हैं उन लोग के लिए बनता है ये सब. तो ये सब केमिस्ट्री की देने के ये सब चीज़ें बन जाती हैं. बिल्डिंग मटेरियल्स बाय सप्लाइंग स्टील सीमेंट, स्टील एंड सीमेंट केमिस्ट्री इज हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेफर होम एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड डैम ब्रिज विच कैन बी लास्ट फॉर सेंचुरीज. तो बिल्डिंग मटेरियल भी केमिस्ट्री की ही देन है. मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन जाती है, सीमेंट, स्टील वगैरह ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो उसकी वजह से डैम ब्रिजेज ये सब बनती हैं, वो भी काफ़ी सेंचुरीज तक, मतलब 100 ईयर्स तक रह जाती हैं.
supply of metal. Metals like gold, silver, copper, iron, aluminium, zinc, and large number of their alloy are used for making ornament, utensil, coil, and many industrial agriculture implements. तो जो metal supply है, इन metal, copper, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब से alloy बनाया गया है. तो ornament, alloy, इन सब का alloy use किया जाता है. जैसे कि ऑर्नामेंट, यूटेंसिल, कॉइन्स वगैरह हैं, या बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं. आर्टिकल ऑफ डोमेस्टिक यूज़, केमिस्ट्री हैज़ मेड आवर होम मोर कम्फर्टेबल बाई सप्लाइंग अ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ डोमेस्टिक यूज सच एज डिटर्जेंट, ऑयल, फैट, शुगर, पेपर, ग्लास, ग्लास अनब्रेकेबल, प्लास्टिक वायर्स, पेंट, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए, कंफर्टेबिलिटी के लिए ही तो हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज गिवन अस निकल, क्रोनियम, सिल्वर, गोल्ड प्लेट्स आर्टिकल्स विच आर मोर अट्रैक्टिव, ड्यूरेबल एंड नॉट प्रोन टू रस्टिंग. द यूज ऑफ रेफ्रिजरेंट अमोनिया, By the use of refrigerant or like ammonia, liquid sulfur dioxide and freon, we can make our home cooler in summer. तो ये refrigerants जैसे ammonia, liquid sulfur dioxide और freon हैं, ये सब चीज़ें ठंडी गर्मी में भी हम लोग का rooms हो, घर को ठंडी रखती हैं. सब वही AC में ये सब चीज़ें ही तो use रहती हैं, और क्या रहती हैं. Entertainment, cinema, one of our common source of entertainment and also video cameras as well as some simple cameras makes use of films which are made up of celluloid, a chemical compound which and coated with suitable chemicals. Similarly, fireworks which amuse us on festivals and marriage are chemical products. Phonograph records used for listening music are made up of polyvinyl chloride, a chemical compound. तो cinema वगैरह में, video cameras वगैरह में, सब में, और टीवीज में, सब में सेलुलॉइड का यूज़ होता है, केमिकल कंपाउंड. जैसे कि ये सब चीज़ें बन जाती हैं, केमिकल्स ही तो हैं सब. जैसे कि जो भी पटाखा वगैरह फोड़ते हैं हम लोग फेस्टिवल्स में, शादी में, तो ये सब पटाखा वो केमिकल्स ही होता है. तो केमिकल्स के इतने सारे यूज़ हैं. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ऑलमोस्ट ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग automobile, scooter, car, buses, etc., aeroplanes, helicopter, railways use either petrol or diesel or coal, which are all chemical products. So transport, car, scooter, ये सब चीज़ें हैं जो chemical products पे ही based हैं, उसकी वजह से चलती हैं. Chemistry has also given high quality of fuel, which are made possible the landing of Apollo on the moon and Viking on the Mars. तो chemistry की ही देन है ये fuels, इतने high quality के fuels हैं, जैसे कि Apollo, मतलब कि जो rockets वगैरह हैं, अपोलो मून पे लैंड कर गया, विकिंग्स मार्स पे लैंड कर गया. नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री हैज़ आल्सो हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टेलीफोन, टेलीग्राफ एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो अब केमिस्ट्री की ही वजह से टेलीफोन, टेलीग्राफ जो भी हैं, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन के लिए यूज एक इम्पॉर्टेंट मीन बन गया है. मीन्स मतलब कि साधन. न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, इन द व्यू ऑफ डिक्रीजिंग कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज, द वर्ल्ड विल सोन बी फेसिंग एन एनर्जी क्राइसिस. केमिस्ट्री हैज कम टू रेस्क्यू बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज न्यूक्लियर एनर्जी. तो एटॉमिक और न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें बोला गया है कि अब पेट्रोल और कोल के कम होने की वजह से अब इतना यूज होगा तो कम होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि ये तो फिक्स्ड मात्रा में है. अभी ये तो हजारों साल में बनता है, हजारों क्या लाखों साल में ये बनता है. तो कोल बहुत अब ख़त्म हो रहा है, तो आगे अब ख़त्म हो जाएगा तो क्या यूज़ किया जाएगा. तो उसकी वजह से बहुत सारे अब न्यूक्लियर एनर्जीज क्या बनाई जा रही हैं कह सकते हैं आप. तो उसको मतलब इसको रेस्क्यू करने के लिए अब अ केमिकल प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड मेड पॉसिबल द एनरिचमेंट ऑफ U-235 which has used first for making atomic bomb and later in the nuclear reactor for the production of electricity. तो जो न्यूक्लियर एनर्जी अब ये जो बन रहा है, तो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड जो है U-235 इसमें बहुत ज़्यादा होता है. तो ये जो एटॉमिक बॉम्ब्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो किया जा सकता है.
या किया जाता है अभी भी। हाँ अब किया जाता है वैसे, ये तो प्रोडक्शन एंड न्यूक्लियर से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी से भी। न्यूक्लियर एनर्जी कैन ऑल्सो भी इम्प्लॉयड बाई डिकिंग टनल, ब्लास्टिंग माउंटेन एंड इन माइनिंग एज वेल। तो न्यूक्लियर एनर्जी इन सब चीज़ों में भी यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्री केमिकल हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल रोल टूवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट इज ग्लास, सीमेंट, पेपर, टेक्सटाइल, डाई, पेंट वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ों में ये अपना डेवलपमेंट, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट के लिए ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन द ग्रेट इन द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक, ये सब चीज़ें भी बना रही हैं कैटलिस्ट जो कि हैं। सिमिलरली इट इज़ हेल्प इन द सिंथेटिक ऑफ न्यू मटेरियल हैविंग स्पेसिफिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ सुपर कंडक्टिंग सेरामिक, कंडक्टिंग पॉलीमर एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये सब मटेरियल्स भी बनाने के लिए जो कि सुपर कंडक्टिंग सेरेमिक और कंडक्ट, ये सब चीज़ें बनाने के लिए भी जो चीज़ें बन रही हैं, ये जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, ये सिंथेसाइज करता है केमिस्ट्री, केमिकल्स की वजह से। एप्लीकेशन इन वॉर, केमिस्ट्री इज ऑल्सो इंक्रीज द स्ट्राइकिंग पावर ऑफ मैन इन वॉर टाइम। तो केमिस्ट्री हम लोग के लिए वॉर टाइम में बहुत यूज होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाईली एक्सप्लोजिव सब्सटेंस सच एज TNT, नाइट्रोग्लिसरीन एंड डायनामाइट्स, पॉइजनस गैस लाइक मस्टर्ड गैस, लेविसाइट्स एंड फोजीन एंड मैनी अदर डेडली वेपन्स सच एज एटम्स बॉम्ब एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। तो TNT और नाइट्रोग्लिसरीन और डायनामाइट, ये जो भी ये सब चीज़ें हैं केमिस्ट्री की वजह से बनी है, केमिकल्स ही हैं एक तरीके से, तो वॉर में यूज़ होती हैं। अब इम्पॉर्टेंस तो पढ़ लिए, प्रॉब्लम्स भी होती हैं इस केमिस्ट्री में, कि केमिस्ट्री की वजह से क्या प्रॉब्लम्स है। द प्रोसेस इन केमिस्ट्री इज ऑल्सो कॉल्स मैनी प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर एनर्जी इज यूजफुल बट डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट पॉजेज अ सीरियस प्रॉब्लम टू ह्यूमैनिटी। न्यूक्लियर एनर्जी तो हम लोग को यूज़ बहुत आती है, लेकिन जो उसका डिस्पोजल, मतलब जो अब यूज हो गया तो कुछ वेस्ट बचता है, तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो डिस्पोज नहीं होता है तुरंत, वो बहुत ही टाइम लगाता है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमैनिटी पे अफेक्ट करता है। फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स हैव एडेड टू अवर प्लेजर फॉर लिसनिंग म्यूजिक, बट दे आर मेड ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विनाइल क्लोराइड विच कैन कॉज लीवर कैंसर इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स। तो फोनोग्राफ जो रिकॉर्ड्स हैं गाना सुनने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसमें ये जो बना रहता है पॉलीविनाइल क्लोराइड से, पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड से बना रहता है। विनाइल क्लोराइड जो कि जो वर्कर्स अगर बना रहे हैं तो उन लोग के लिए लीवर कैंसर के लिए जिम्मेदार, बहुत मतलब कि सीरियस रिस्क होता है लीवर कैंसर होने का उन सबको, वर्कर्स को। एंटीबायोटिक हैज एलिमिनेटेड इन्फेक्शियस डिजीज़ बट देयर ओवर रश इज़ वेरी हार्मफुल। तो एंटीबायोटिक्स जो है कि अब इन्फेक्शियस डिजीज, तो हम लोग जो डिजीजेज इन्फेक्शन जो भी हुए हैं वो तो भाई रोक देगा, लेकिन इसके कुछ ज़्यादा खा लूँगी या ज़्यादा कोई खा लूँगी नहीं मैं, क्यों खाऊँगी। हाँ कोई भी इंसान अगर ज़्यादा यूज़ कर लेगा ज़्यादा, तो उसको वेरी हार्मफुल होता है उसके लिए। इंसेक्टिसाइड हैज़ इंक्रीज द फूड सप्लाई बट दे आर लॉट ऑफ हार्म्स टू। अब देखिए इंसेक्टिसाइड जो हम लोग प्लांट्स वगैरह को तो भाई सही वहाँ से कीड़े वगैरह मार, लेकिन जो बर्ड्स फिशेज हैं या जो भी पानी हम लोग का जा रहा है वहाँ का जो कि इंसेक्टिसाइड से मिला हुआ, तो वहाँ पे फिशेज उन सबको भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। यूज ऑफ पॉलीथीन बैग इज पोजिंग अ सीरियस थ्रेट टू सीवरेज सिस्टम। पॉलीथीन बैग अगर यूज तो हो रहा है अब, लेकिन उसका जो डिस्पोजल या सीवरेज सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। केमिस्ट्री हैज़ गिवन ड्रग्स लाइक LSD, कोकीन, शुगर, ब्राउन शुगर एक्सेट्रा, विच इज प्रूविंग अ कर्स टू द सोसाइटी। ये जो ड्रग्स वगैरह बनाए गए हैं सोसाइटी के लिए, श्राप है, यही बोला है इस लाइन में सीधा, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगी। कंक्लूजन, इन द व्यू ऑफ गिवन डिस्क्रिप्शन वी कंक्लूड दैट केमिस्ट्री can be regarded as a greater benefactor of humanity, yet it can provide to be blessing or curse for humanity
depend upon the uses to which it puts and how a relative balance is maintained between benefits and problem caused by the process. अब केमिस्ट्री, अब यूजेस ज़्यादा हैं कि इसके हार्म ज़्यादा हैं, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस जिस यूज़ करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हार्म कर रहा है कि आपको, हार्म कर रहा है कि आपको फ़ायदा कर रहा है. बस ये फर्स्ट टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट सेक्शन में, दूसरे वीडियो में जाके आप लोग ज़रूर देखें.